क्या हो गया? गाड़ी बंद पड़ गई? भाई साहब, ओ क्या हो गया? मैडम गाड़ी गर्म हो गई, पानी डालना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। ओहो, पानी भी अभी खत्म होना था। क्या हुआ? आप रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। भाई साहब वक्त देखिए, पानी कहाँ मिलेगा आपको इस वक्त? नजदीकी दुकान है, खुली होगी शायद। मैं पानी लेके आता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। जल्दी आना प्लीज। जी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। क्या पिक्चर थी? अरे आज तो मजा आ गया। कुछ भी बोलो। मजा आ गया, आज तो तकदीर पलटा मारिए। चलो। अरे अंदर कोई लड़की नजर आ रही है, चलो देखते हैं। चलो। खोलो खोलो खोलो, बचाओ। नीचे नीचे उतर। चल खोल खोल दरवाजा खोल। बचाओ। अरे बचाओ। नीचे नीचे उतर। चल खोल खोल दरवाजा खोल। बचाओ। अरे खोल ना। चल खोल खोल। अरे अरे पकड़ो भाई। कौन थी? छोड़ ना यार, अगर उसने देख भी लिया है ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल चल चलते हैं। साहब। हाँ? बिगड़ा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तीन बोतल खलास कर गया अकेला ही। तुझे वाशी जाना है ना? हाँ साहब। देख रात बहुत हो चुकी है, एक काम कर तो निकल, मैं देख लूंगा इसे। ठीक है साहब। चल जा। अरे बॉस, बाल बंद करने का टाइम हो गया, ये रहा तुम्हारा। हाँ इतना जल्दी बंद कर रहा है? हाँ अभी तो डेढ़ ही बजे। डेढ़ बज रहा तभी तो बंद कर रहा हूँ। अरे इतना गर्म क्यों हो रहा है? बस चला जाऊंगा, एक आखिरी पैक पिला दे। पक्का? हाँ आखिरी ना, इसके बाद एक बूंद भी नहीं मिलेगी। कम वक्त दुनिया वाले चैन से पीने भी नहीं देते। ये ले जल्दी पी और गलती हो ले।
कौन है? उधर तो कुछ भी नहीं है। लगता है अपुन को ज्यादा चढ़ गई ली है। दस नो सागरिका, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? रात को सोई नहीं क्या? क्या बात है सागरिका? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो फिर तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले निशान क्यों पड़े हुए हैं? क्या बताऊं? सच बात है, आजकल रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। बड़े बुरे बुरे से सपने आते हैं। बुरे सपने? कैसे बुरे सपने? वो बताओ ना सागरिका, कैसे बुरे सपने? क्या हुआ? हाँ? सपने? मैं सपने? वो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए, इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। ज्यादा सवाल करके अपनी परेशान मत कीजिएगा। और हाँ, जरा ख्याल रखिएगा, अगर इन्हें फिर से दौरा पड़ गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। चलो नर्स। सुनिए, हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा। हम यहाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम आपको बचाने आए। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, पर आप हमें ठीक से याद करके बताइए कि आखिर कल रात हुआ क्या था। बहुत भयानक आवाज थी उसकी, बहुत भयानक। उसी गर्दन
ऐसी कर दूंगी उसकी। उसमें नहीं ताकत नहीं कि शायद सौ आदमी में भी नहीं हो सकती। उसने ना उस आदमी को ऐसा पकड़ा और मेरे सामने ऐसा फेंक दिया। वो तो देखता नहीं क्या हाथ उसके हाथ ना ये नम नम हाथ और गर्दन के पास से मार डालेगा मुझे। शांत कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। शांत हो जाओ। मुझे लगता है ये अभी भी सपने में। And I'm sure कि इसको उस आत्मा के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस आत्मा ने सिर्फ रघु को क्यों मारा, इसे क्यों नहीं? हो सकता है कि रघु के साथ उसकी कोई आपसी दुश्मनी है। चल मौत चलकर देखते हैं। रघु की लाश आ गई होगी वहां। अभी तक उस हादसे को नहीं भूली? अरे तू उसे याद करेगी तो पागल हो जाएगी तू। क्यों नहीं भूलती उसे? कैसे भूलूं? कैसे भूलूं? पागल तो मैं हो ही नहीं। जानती है आज क्या हुआ? क्या बताती हूँ? बताती हूँ जो हादसा हुआ था ना वहां तो आदमी थे और दो आदमी से क्या तो सच कह रही है? सच तो कह रही टीना मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है सपनों का और मौतों का सारे कोई कनेक्शन है। सारे कोई कैसे सपने? Oh!
मेरे पास आना, मेरे पास आना। उल्टी गिनती शुरू हो गई। साधु, मेरे पास आ, मेरे पास, मेरे पास रुको, मेरे पास। अरे सागरिका, ऊपर ले जाओ। सागरिका, दरवाजा बंद करो। सागरिका। क्या रघु के रिश्तेदार हैं? हाँ, वो मेरा चचेरा भाई है। बड़ी ही दर्दनाक मौत पाई उस बेचारे ने। उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि क्या, बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। मैं खुद पर अकेला रहना चाहता हूँ रघु के साथ। ठीक है, देखी मैंने, बहुत बहुत बुरी मौत हुई उसकी। कहीं वो वापस तो नहीं आ गया, हमसे बदला लेने? ठीक है बॉस, मैं आता हूँ। कहाँ गया वो? सागरिका,
खून? सागरी का तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खून किसका है? और ये कपड़े? किसके कपड़े हैं ये सागरी का? मालूम नहीं। ये खून किसका तुम्हें मालूम नहीं? ये कपड़े किसके तुम्हें मालूम नहीं? मालूम नहीं है। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये खून किसका है? ये कपड़े किसके हैं? इस कमरे में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ क्या हो रहा है? सर, मैंने तो पहले ही कमलेश से कहा था कि रघु की मौत एक आत्मा की वजह से हुई है, और आवाज देखिए, वो भी बेमौत मारा गया। पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिखे हमें वो। अगर वो आत्मा दोबारा आ गई तो? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, कुछ पता लगा? हाँ, कमलेश झूठ कह रहा था। वो और रघु कोई भाई भाई नहीं है। वो दोनों तो भांडुप की एक फैक्ट्री में साथ में काम किया करते थे, जिस पर कुछ ही दिन पहले ताला लग चुका है। इनफैक्ट तुम लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि उन दोनों ने इन दिनों के बीच 3-4 फ्लैट भी खरीदे। क्या? फैक्ट्री पे ताला लगने से बोलो बेरोजगार हो गए होंगे ना? तो फिर उन दोनों ने 3-4 फ्लैट कैसे खरीदे? कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस भांडुप वाली फैक्ट्री में जाकर पता करना चाहिए। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सागरिका। बस ना, एक मिनट, कुछ बात करनी है तुमसे, प्लीज। मैम, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक। क्या हुआ तुझे? तू मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? ये तो अब डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर? इसमें डॉक्टर क्या करेगा? हाँ डॉक्टर, और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ, चलो। टीना, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, पर जो चीज से मैं परेशान हूँ उसका जवाब डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। क्या मतलब? देख, तू नहीं समझेगी। तो समझाओ ना मुझे, तुम क्यों नहीं समझा रही हो? और आखिर चल क्या रहा है सागरिका? जिस तरह से तुम्हारे सपने, किस तरह से तुम्हारा बेहोश होना, और ये इस तरह से अनजान कपड़े, क्या है ये सब? टीना, अगर मेरे पास इन बातों का जवाब होता तो मैं तुझे बताऊंगा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं खुद इन चीजों का जवाब ढूंढती हूँ और फिर तुझे बताऊंगी। सागरिका, एक मिनट आना। तू ये पानी पी और रिलैक्स हो। रिलैक्स? शी इज कॉलिंग मी, इट डजंट लुक नाइस ना। या मैम, कमिंग 2 मिनट्स। अरे अरे सुन तो। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ थे हम? नंबर 1। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। ओके, कूल, फास्ट। सागरिका कुछ नहीं है। सागरिका, सागरिका,
Yeah.